साइन पर साइन है शिवाजी में रजनीकांत ने भी इतने साइन नहीं किए होंगे सर और एक चेक 1 लाख का चेक ये किसके लिए है सर मजिशियन के लिए हाय गाइस मेरा नाम है मैंड्रिक द मजिशियन मुझे तो लगता है जादू दिखाने नहीं चंदा लेने आया है चंदा लेने का धंधा मैं नहीं करता तुमने मुझे पहचाना नहीं मैजिक करता हूँ मैं अच्छा तो अभी कभी यहाँ से कुछ गायब करके दिखाओ अब्राकडाब्रा दिखाना ही पड़ेगा अब्राकडाब्रा झटका लगे तगड़ा अब्राकडाब्रा झटका लगे तगड़ा ओह पहने इतनी गंदी स्मेल आ रही किसकी चड्डी है ये तुम्हारी है मेरी ए तुम लोग मुझे क्या घूर पहले मुझे तो चेक कर लेने दो ओ तेरी ये तो मेरी ही है अभी भी मुझे थोड़ा डाउट है अगर तुम वाकई जादूगर हो तो फिर एक काम करो तुम इसी समय इसी वक्त चड्डी गायब करके दिखाओ इसकी ओके आबरा का डाबरा जादू दिखा दे जबरा ओपन इट क्या हुआ इसने चड्डी नहीं पहनी है इस छोटे का मैजिक फेल हो गया है ये सिर्फ ये एक इलास्टिक नीचे का कपड़ा कहाँ गया बता ना कुछ पूछ रहे बोलना हाँ भाई आजकल ये दिखाना तो फैशन है ना इसलिए मैंने कपड़ा काट दिया और ये पहनना मत अब बताओ अभी भी डाउट्स हैं क्या ओह यू आर सुपर यू आर नॉट ऑर्डिनरी यू आर सुपरमैन थैंक यू वेरी मच तो इस तरह मैं एसीपी राजा के चंगुल में फंस गया तो मेरे भाई जादूगर मैंड्रेक अगर जादू से वो पेन ड्राइव मुझे दे सकते हो तो मैं तुम्हें उस काम के लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हूँ ये मेरी जबान है राजा के पास चाहे जो हो मैं सब गायब कर सकता हूँ मैं उसके दिमाग को अपने वश में कर लूंगा लेकिन जादू से नहीं उसे हिप्नोटाइज करके उसके मन की सारी बातें पढ़ लूंगा राजा के दिमाग को कंट्रोल करने के बाद पेन ड्राइव से डेटा लेकर कंप्यूटर से दिमाग कनेक्ट करके फाइनली उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा सुपर जादूगर मैंड्रेक तो बताओ अब मैं क्या करूं इस चेक में तुम्हें एक एक्स्ट्रा जीरो लगाना होगा हाँ बिल्कुल अभी लो अगर ये चेक बाउंस हुआ तो इसमें 2 जीरो और लगा दूंगा पर ये कैसे मुमकिन है लॉजिक को भूल जाओ मैजिक एंजॉय करो अच्छा तो ये बात है उस राजा को मैं बार में ले जाऊंगा और उसे हिप्नोटाइज करके पेन ड्राइव ले लूंगा ये बात है बच्चों तो अब जरा मेरा मैजिक भी देख तू हम तो पीने बैठे हैं ना तो ग्लास कहाँ है मैंड्रिक मजिशियन के होते हुए गिलास की क्या चिंता क्या जादू है ये है मेरा जादू राजा इस घंटी को देख रहे हो हाँ देख रहा हूँ मैं घंटी कैसी है बहुत अच्छी है और इसकी आवाज कैसी है बहुत ही मधुर है सिर्फ घंटी की आवाज पे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो ये बताओ कि तुम सच में हिप्नोटाइज हो गए हो पूरी तरह से गुरुजी मैं इसे नहीं मारूंगा जब तक वो पेन ड्राइव मुझे नहीं मिलता वो उस एमएलए का है तुम उस एमएलए को दे दोगे हाँ दे दूंगा अब तुम मेरे वश में हो रहे हो मैं तुम्हें फ्रिज कर रहा हूँ फ्रिज फ्रिज नहीं बुद्धू फ्रीज फ्रीज हो गए हो ना तुम हाँ फ्रीज हो गए हल्की नींद आ रही है ना अभी हिलना मत बिल्कुल मत हिलना राजा, उसे डिस्टर्ब मत करना वो इस वक्त बड़े पर्दे पर छोटा राजा फिल्म देख रहा है वो खड़े खड़े देख रहा है क्या मैंड्रिक जी सांबार में नमक ज्यादा डाल दिया आप अपने जादू से 1-2 किलो कम कर दीजिए ना इस औरत का तो इसको कुछ ढीला लगता है इसे हिप्नोटाइज करके मैं अपना उल्लू सीधा कर सकता हूँ आप कर सकते हैं या नहीं बताइए ना 20 सालों का एक्सपीरियंस है दिन रात यही काम तो कर रहा हूँ मैडम अब नजरे इनायत जरा इधर करो इस घंटी को तुम देख रही हो हाँ देख रही हूँ मतलब तुम वश में हो तो क्या तुम मुझे चुंबन दोगी हाँ दूंगी तो देर मत करो बाहों में समा जाओ हसीना तुरंत आ जाओ आ गई तुम बीच में कहाँ से आ गए देख रहे हो मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ उधर जाओ हाँ जा रही हूँ तुम कहाँ जा रही हो जा रही हूँ यहाँ से मैंने तुम्हें थोड़ी कहा यहाँ से जाने के लिए चलो आओ आ गया तुम बार बार मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो उसे आने के लिए कहा है तुम्हें नहीं मूड डिस्टर्ब कर दिया गो बैक यहीं खड़े रहो प्लीज प्लीज अब तुम मेरे साथ आओ फ्रीज किया ना गधे हाँ क्या गधे अरे ये दोनों तो पागल कर देंगे मेरी बात समझो मैं तुमसे कह रहा हूँ इससे नहीं चलो आओ कितनी सुंदर हो तुम नजर ना लगे कुछ देर के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं है सांभर में नमक हाँ पता है उसमें नमक डाल दिया आप जाओ प्रियतमे मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करोगी ना
ए प्री प्राणनाथ, आई मिलन की बेला। बड़ी जल्दी रोमांटिक मूड में आ गई। लोहा गरम है, मार देता हूँ थोड़ा। बाहू में आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें? सर, मैं लोगों को छोटे मोटे ट्रिक दिखाकर अपना पेट पालता हूँ। मुझे अगर जेल में डाल देंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। जो मैं कहूंगा वही करोगे तभी छोड़ूंगा। लिख के देंगे ना सर? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तैयार हूँ सर। आई विल डू।